वेलकम बैक टू द चैनल। एंड ये वीडियो में जो गाइस हम बात करने वाले हैं रिलेटेड अबाउट द इंडियन गेम्स। बहुत टाइम के बाद जो है गाइस इन गेम्स को यहाँ पे कवर करूंगा। एक जो है उसमें से उसके तो बारे में अपडेट्स मैं आपको देता ही रहता हूं जो कि यहाँ पे इंडस है, लेकिन इस वीडियो में जो है गाइस मैं आपको उसका गेम प्ले भी दिखाने वाला हूँ रिसेंट लेटेस्ट का, क्योंकि बहुत सारे जनों को इंटरेस्टेड था एंड अभी जो है यहाँ पे परमिशन मिली है कि गेम प्ले शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है गाइस मैं आपको वो दिखाऊंगा एंड उसके साथ और भी गेम्स के बारे में बात करेंगे जो कि गाइस यहाँ पे थोड़े अंडरग्राउंड चले गए हैं। एंड ऑल्सो एक अपने बहुत ही ओल्ड फेवरेट गेम के बारे में बात करेंगे जो कि गाइस अपना फौजी है। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है डेफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड अगर आप नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। एंड सबसे पहले जो है गाइस अभी हम बात करते हैं वो अंडरग्राउंड गेम के बारे में जिसका नाम है गाइस अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर्स UGWAKA। ठीक है, सो आप में से जो है गाइस बहुत सारे जन उस गेम के बारे में पूछ रहे थे एंड इंटरेस्टेड है उस गेम में कि भाई अपडेट कहां पे है UGW। तो मतलब एक ऐसी हाइप बनी थी एंड अभी भी बनी है, लेकिन उस गेम से रिलेटेड जो है गाइस हमें कुछ भी ऑफिशियल चीज देखने को नहीं मिली, चाहे वो गेम प्ले हो चाहे वो ट्रेलर हो, यू नो जस्ट हमें कुछ लोकेशंस के रिवील्स देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद जो है गाइस अभी रिसेंटली पता नहीं मतलब कुछ इन्फॉर्म भी नहीं किया, आई मीन एटलीस्ट मुझे तो नहीं किया क्योंकि उनके डिस्कॉर्ड सर्वर पे जो है गाइस कंटेंट क्रिएटर का रोल मिला है मुझे, तो एटलीस्ट यू नो कंटेंट क्रिएटर को भाई कुछ कह देते कि भाई ये कुछ प्ले टेस्ट हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं भाई सुमड़ी में जो है एक इंटरनल प्ले टेस्ट उन्होंने हेल्ड कर दिया बैंगलोर में। अच्छा अच्छा आई थिंक वही लोकेशंस के कुछ तो बंदों को वहां पे बुलाया होगा खेलने के लिए, गेम ट्राई करने के लिए, जो कि आप सामने कुछ देख सकते हैं। उसी के साथ जो है गाइस यहां पे अभी भी कुछ लोकेशन रिवील्स वगैरह के वीडियो आ रहे हैं रिसेंटली जो है गाइस आई थिंक शायद से दो हफ्ते पहले जो है गाइस इन्होंने एक कोल माइन वाली जो है लोकेशन रिवील कर दी। तो फिलहाल के टाइम में बस यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। जितना गाइस आपको यहाँ पे सामने इन्फॉर्मेशन दिखती है ना उतनी जो है गाइस मेरे पास इन्फॉर्मेशन है और जो है गाइस यहाँ पे कुछ भी खबर देखने को नहीं मिली है। मैंने रिसेंटली जो है गाइस उनके डिस्कॉर्ड सर्वर पे भाई मतलब मैं मैसेज करता नहीं हूँ नॉर्मली जनरल चैट्स वगैरह पे, लेकिन यहाँ पे जो है गाइस उनके डिस्कॉर्ड सर्वर पे पूछा कि भाई गेम कब आ रहा है और कितना टाइम लगेगा, लेकिन उसके ऊपर कुछ रिप्लाई नहीं आया, कुछ ऑफिशियल के कुछ स्टेटमेंट्स नहीं आए कि भाई आएगा कमिंग सून है ये है वो है। तो वी हैव रियली नो आइडिया कि कब गेम आएगा। यहाँ पे जो है इसको ऑलमोस्ट अभी एक साल होने आ गया है नाम रिवील होने के बाद। इसके इवेंट्स पे मैं गया था, ऑफिशियल वालों ने मर्चेंडाइज भेजा, यू नो बॉटल टी शर्ट चाय का मग, वो चाय के मग में मैं रोज चाय पीता हूँ, लेकिन भाई गेम कब आ रहा है वी हैव नो आइडिया। अगर कुछ न्यूज आती है गाइस मैं आपको डेफिनेटली अप टू डेट रख दूंगा इस चैनल पे, लेकिन फिलहाल के टाइम में जस्ट लोकेशन रिवील्स आ रहे हैं लाइक अ स्नीक पीक। इंटरनल प्लेटेस्ट में जो है गाइस कुछ ऐसे गेम प्ले हमें देखने को मिले, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट गेम प्ले, लाइक लिटरली एक दो सेकंड में जो है गाइस वो क्लिप स्विच होती है, तो उससे जो है गाइस हम ज्यादा अंदाजा नहीं लगा सकते। बट एक चीज जो है गाइस एक दो सेकंड के वो क्लिप में जो है गाइस देख के जो है अच्छा तो लग रहा है कि भाई थोड़ा पबजी जैसे वाइब्स है, यू नो लाइक यूआई वगैरह बहुत सिमिलर है। तो मैं इंटरेस्टेड तो हूँ इस गेम में देखने के लिए कि भाई कैसा गेम होने वाला है, बट अब कब आता है प्ले टेस्ट कब है बेटा कब है वी हैव नो आइडिया। कुछ न्यूज आती है तो मैं आपको इस चैनल पे जरूर अप टू डेट रख दूंगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड रहना। एंड अभी जो है गाइस हम बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम के ऊपर जो कि गाइस अपना यहाँ पे फौजी है, मेरा पर्सनल फेवरेट गेम, क्योंकि ये गेम जो भाई मतलब आई थिंक सबको पता होगा फौजी गेम है क्या। ठीक है, भले बंदे ने खेला ना होगा लेकिन उसने जो है उसको पता होगा फौजी गेम है क्या। तो दो साल पहले जो है ये गेम आया था फौजी, एंड ये जब आया था तब भाई मतलब एकदम खतरनाक तरीके से जो है मार्केट में हग दिया था इसने, जो इसकी हाइप थी ये मतलब ऐसे ऐसे गया। एंड जब गेम लॉन्च हुआ कप करके ऐसे जो मुंह पे पड़ा है ना ये गेम, तो उसके बाद जो है गाइस यहाँ पे और बहुत कुछ अपडेट्स आए। उन्होंने स्पेशली एक मल्टीप्लेयर मोड यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जिसका मैं आपको गेम प्ले सामने दिखा दूंगा। आज ही सुबह मैंने बस वो 2 मिनट का गेम प्ले रिकॉर्ड करने के लिए गेम डाउनलोड किया। एंड रही बात अबाउट द अपडेट्स, क्योंकि यहाँ पे जो है गाइस अभी रिसेंटली फौजी में जो है गेम में मतलब आई थिंक एक भी अपडेट नहीं आए। कुछ यहाँ पे रिसेंट में मैप्स आए थे मेला, उसके बाद आई थिंक कुछ तो एक जेल टाइप का कोई तो मैप आया था, लेकिन उसके बाद जो है गाइस अभी बहुत आई थिंक देखा जाए तो आधे ही साल के ऊपर हो गया कि कुछ अपडेट नहीं है इस गेम के अंदर। बट यहाँ पे जो है गाइस एक मैं आपको लीक बताता हूँ कि इस गेम में जो है बहुत ही तगड़ा वाला चेंज आने वाला है। ठीक है, अभी ज्यादा तो रिवील नहीं कर सकता फिलहाल के स्टेट में, लेकिन एक चीज है कि यहाँ पे जो है बस एनकोर गेम्स अभी इसके ऊपर काम नहीं कर रही है, एक और स्टूडियो इसके ऊपर काम कर रहा है। एंड मुझे पर्सनली वो गेम देखने को मिला था, खेला भी था मैंने आई थिंक। सो एक बात तो कहूंगा कि गेम जो है पूरा का पूरा पूरा नहीं लेकिन ऑलमोस्ट 90% के ऊपर जो है गाइस गेम रीडिजाइन होके फिर से आने वाला है। मैंने जब वो गेम देखा था ऑफकोर्स वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं है अभी भी शायद से 5-6 महीना पकड़ लो या फिर उसके आगे भी हो सकता है, लेकिन गेम जो है पूरा एक अच्छी तरीके से एक न्यू रीडिजाइन होके जो है गाइस हमें मार्केट में फिर से देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप एक्साइटेड हो फौजी के लिए स्टिल डेफिनेटली लेट मी नो। बट मैंने आज सुबह डाउनलोड किया फौजी मल्टीप्लेयर,
एंड आई वॉज शॉक, मतलब मैंने जस्ट प्ले बटन दबा दिया एंड मैच कनेक्ट हो गई भाई, मतलब रियल प्लेयर्स बहुत खेल रहे फिलहाल के टाइम में, तो वो देख के जो है थोड़ा अच्छा लगा। गेम में अभी भी जान है, अभी भी गेम के ऊपर बहुत सारे जनों के होप्स है। रही बात बैटल रॉयल वगैरह मोड कब आएगा, तो भाई टेंशन मत लो, कुछ महीना और रुको, बैटल रॉयल का तो पता नहीं, लेकिन गेम रीडिजाइन होकर बहुत अच्छी तरीके से हमें देखने को मिलने वाला है, तो आई होप आपको वो पसंद आएगा। सो ये थी गाइस न्यूज़ अबाउट द फौजी, हमारे फेवरेट गेम के बारे में। एंड लास्ट में जो है हम बात करते हैं यहाँ पे इंडस के बारे में। एंड यहाँ पे जो है सामने मैं आपको बैकग्राउंड में कुछ प्ले टेस्ट गेम प्ले दिखा देता हूँ, जो कि अभी परमिशन मिली है आपको शोकेस करने की, आपको दिखाने की। तो ये जो गेम प्ले देख रहे हो गाइस, ये प्ले टेस्ट 4 का है, ई-स्पोर्ट एडिशन वाला, जिसके अंदर यहाँ पे स्पेक्टेटर मोड था, पिंग सिस्टम थी, रिवाइव सिस्टम था। एंड यहाँ पे जो आप गेम प्ले देख रहे हो, ये मस्त क्रिस्प क्वालिटी का स्क्रीन रिकॉर्डेड गेम प्ले है 1080p। एंड मैंने पर्सनली खुद ये गेम खेला था, मैंने आई थिंक इंडस का व्लॉग भी डाला है, तो अगर आपने वो मिस कर दिया देख लेना। अभी बहुत सारे जन कहते हैं कि भाई तू बस अभी ये गेम की अच्छाई या फिर यू नो लाइक प्लस पॉइंट्स कहते रहता है, अभी भाई अभी जो है वो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, अभी अगर कुछ मुझे चीज बुरी लगती है तो वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ, वो भी मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, मैं खुद इंडस के ग्रुप में शेयर कर देता हूँ अगर कुछ पसंद नहीं आया, कुछ पसंद आया तो। एंड जो भी मैंने आपको अभी गेम्स दिखाए, UGW, 4G एंड अभी जो इंडस दिखा रहा हूँ, तो मुझे जो है पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इंडिया की तरफ से जो है ये इंडस, ये एक ही गेम है जो आगे जो है कुछ जाके उखाड़ेगा, कुछ मचाएगा, ठीक है, क्योंकि फिलहाल के टाइम में जितने भी हमने प्ले टेस्ट खेले थे वो सब में जो है मुझे प्रोग्रेस देखने को मिला है। अभी स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकेंड प्ले टेस्ट तो मैंने खेले नहीं है, लेकिन मैंने जो थर्ड खेला था सूरत में, उसके बाद जो अभी मैंने फोर्थ खेला रीसेंट वाला, बहुत बहुत चेंजेस हुए हैं ग्राफिकली, उसके बाद गेम ऑप्टिमाइज अच्छी तरीके से हुआ है, गेम के मैकेनिज्म अगर हम बात करें शूटिंग की, रिकॉइल की, तो वो भी जो है बहुत बहुत तगड़े है। सो ये सब चीज़ें जो है गाइस मिला के जो है शायद से हमें बहुत अच्छा वाला प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है। एंड ये जो गेम है ना, इंडस की बात कर रहा हूँ, जैसे 4G, UGW, ये बस इंडिया स्पेसिफिक गेम्स है, इंडिया के बाहर के मार्केट में जाएंगे नहीं, लेकिन जो हम इंडस की बात कर रहे हैं ये भाई मतलब वर्ल्ड वाइड वाला गेम है, ठीक है, ये बस इंडिया फोकस्ड नहीं है। हाँ, इंडिया फोकस्ड इसके कैरेक्टर्स है, इंडिया फोकस्ड इसकी थीम है, जैसे कि सरताज, यू नो लाइक इंडियन कैरेक्टर मॉडल्स, उसके बाद इंडियन मसाला इसके स्किन्स पे भी देखने को मिलता है, उसके बाद गेम के अंदर भी म्यूजिक जो है वो भी एक बहुत बहुत स्वीट म्यूजिक है जिसमें इंडियन टच है। लेकिन रही बात अबाउट द फ्यूचर फोकस, तो ये जो गेम है गाइस यहाँ पे पूरा वर्ल्ड वाइड को टारगेट करता है, ना कि बस हमने इंडिया को, सो वो बहुत बहुत चैलेंजिंग लगती है। एंड जिस हिसाब से मैंने ये गेम खेला देखा, लगता तो है कि भाई या ये जो है कुछ नाम कमाएगा, एंड अगर ऐसे ही प्रोग्रेस होता रहा अच्छी तरीके से, तो ये जो है डेफिनेटली AAA गेम के कैटेगरी में आने के चांसेस है, ठीक है। आई नो ये थोड़ा वियर्ड साउंड करने के लिए लगता है, लेकिन भाई मुझे पॉसिबिलिटीज लग रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मैं ये डेवलपर टीम की यू नो मेहनत देख रहा हूँ, जो मैं प्रोडक्ट देख रहा हूँ, मुझे डाउट आ रहा है कि भाई आगे जाके इस गेम का कुछ ना कुछ तो होगा, ये डेफिनेटली जो है गाइस कोई फ्लॉप गेम होगा नहीं, ये कुछ ना कुछ तो है गाइस अपनी छवि एक छोड़ेगा, ठीक है। तो ये गेम जो है गाइस ये जस्ट मोबाइल डेडिकेटेड नहीं है, ये पीसी के लिए भी आने वाला है। तो फिलहाल के टाइम में हमने जो है गाइस प्ले टेस्ट में बस मोबाइल के कैटेगरी का गेम प्ले देखा, पीसी वगैरह पे मुझे खेलने का मौका नहीं मिला, तो आई रियली डोंट नो कैसा एक्सपीरियंस है पीसी वाला, बट इन शॉर्ट जो है लगता है कि ये गेम उखाड़ेगा आगे जाके। रही बात अबाउट द 4G, UGW, तो देखेंगे अगर उसके भी कुछ लीक्स एक्चुअल में कुछ यू नो विजुअल देखने को मिलेंगे ना, गेम प्ले प्रॉपर, तो जो है हम कुछ अंदाजा लगा सकते, ठीक है। सो बस इतना था गाइस आज के इस वीडियो में, बहुत सारे जन जो है गाइस आप इंटरेस्टेड थे यहाँ पे यू नो इंडस के लेटेस्ट प्ले टेस्ट के गेम प्ले के लिए, तो हियर इट इज, मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद जो है गाइस मैंने आपको UGW का भी सब सीन समझा दिया कि भाई जितना आपको नॉलेज है, जितना आपको इंफॉर्मेशन है, उतनी ही मुझे है, मुझे यहाँ पे जो है गाइस कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है फिलहाल के टाइम में इस गेम की, क्योंकि ऑफिशियली कुछ शेयर नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन कुछ भी खबर आती है इस चैनल पर मैं आपको बता दूंगा। एंड रही बात अबाउट द 4G, स्टे ट्यून्ड रहना, फिलहाल और बहुत कुछ महीने बाकी है, लेकिन डेफिनेटली ये जो आप वेट करोगे ये वर्थ होगी एट द एंड, जब वो न्यू रीडिजाइन वाला 4G आएगा तभी, ठीक है। सो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, एंड मैं आपसे मिलूंगा गाइस अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।